खबर बरेली से है, जहां थाना इज्जतनगर क्षेत्र अंतर्गत में फायरिंग हुई है। इस घटना में स्थानीय पुलिस की लापरवाही को लेकर बीट आरक्षी से लेकर थाना प्रभारी तक निम्न 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। बरेली में पीलीभीत बाईपास पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे प्लॉट पर कब्जे को लेकर बवाल हो गया था। घटना में दो पक्षों की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने पर एसएसपी से बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने इस घटना में स्थानीय पुलिस की लापरवाही को लेकर इज्जतनगर थाना प्रभारी समेत 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि पूरी घटना के जांच निर्देश दिए गए। आज सुबह थाना क्षेत्र इज्जतनगर में दो पक्षों में एक प्लॉट के कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है और इन दोनों मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अभी वर्तमान में दोनों पक्षों से जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। घटना काफ़ी संगीन है, इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जाँच की गई, तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी SHO इज्जतनगर जयशंकर, एक सब इंस्पेक्टर और अन्य 4 आरक्षी, इनको निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है।